और तो सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, एसीबी की शुरुआत हो चुकी है, आज मैच है आपकी टीम का और आपका, तो आप बताएंगे कितने प्रिपेयर हैं आप, क्या कितने एक्साइटेड हैं? मैंने एसीबी के लिए कोई तैयारी तो हम लोग करते नहीं है, इज जस्ट मेरे को ये इनिशिएटिव ही बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे हम सारे फ्रेटर्निटी मिलते हैं दो वीकेंड्स के ऊपर और यू नो वी शेयर सर्टेन थिंग्स, इंसिडेंट्स, एग्जांपल्स, बहुत कुछ शेयर करने को मिलता है। मैं मतलब मेरे को अभी भी मैं आराम से बोल सकता हूँ कि मैं मानव को एक साल के बाद मिल रहा हूँ, सो और लास्ट ईयर मिला था, आज मिल रहा हूँ। तो ऐसे दो तीन और लोग हैं जिनको मैं बीच में मिलता हूँ, बट अदरवाइज सबको मैं साल में एक बार मिलता हूँ, सो इट्स लाइक दैट। क्योंकि आपने बताया कि तैयारी उतनी तो हम करते नहीं है, तो आप बताइए कि क्या कितना प्रिपरेशन किया है आपने, आपको हम क्या करते हैं आज देखने के लिए, क्या टीम है बॉलिंग? मुझे नहीं पता, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा टीम से अलग हो गया था क्योंकि मैं बिजी था और इसलिए मैं एक ही मैच खेल पाया, तो उस मैच में मैंने विकेट कीपिंग की थी, तो आज भी शायद मैं विकेट कीपिंग करूंगा, लेकिन मुझे टीम कॉम्पोजिशन पता नहीं है तो कौन क्या कर रहा है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसके अलावा जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करके सीरीज शुरू की थी, तो अपने अंदाज में अगर आप कुछ कहना चाहें इंडियन क्रिकेट टीम को? आई थिंक उन्होंने इतिहास लिखा है, सो मेरे हिसाब से ये 10-20 साल के बाद ये दोहराया जाएगा कि बॉस ये पंत ने लास्ट बॉल पे फोर मारा, ये हुआ वाशिंगटन सुंदर, तीन लड़के तीन डेब्यू पे तीन तीन विकेट लेके हाफ हाफ सेंचुरीज मारते हैं, तो इट इज स्पेशल, सो मेरे हिसाब से आई थिंक दे ट्रूली प्लेड लाइक चैंपियंस। इंग्लैंड मेरी फेवरेट है बॉस, इंग्लैंड मेरी फेवरेट है। तो आप इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे ऐसे में इंडिया को? देखो दिमाग इंग्लैंड बोलेगा, हाँ हाँ। क्योंकि हम यू नो थोड़ा हमारा वहाँ का थोड़ा घर बार है, तो वील डू दैट, बट दिल हमेशा इज गोना बी इंडिया ओनली। ऑल द बेस्ट, आई थिंक इट इज नॉट अगेंस्ट द एरोगेंट ऑजीज बट इट इज अगेंस्ट द वेल प्लान्ड एंड गुड माइंडेड जो रूट एंड बेन स्टोक्स, सो इसी ऑजीज के सामने बेन स्टोक्स ने 100 रन ऊपर लास्ट विकेट पे ठोक दिए थे, तो इन केस यू नो इंग्लैंड इज नॉट गोना बी दैट फूलिश, सो आई जस्ट विश एंड प्रे दैट इंडिया नो दिस एंड दे ऑब्वियसली प्लान अकॉर्डिंगली। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। देखिए फॉर मी एसीबी तो मतलब ऐसे जैसे कि इट्स लाइक होम ग्राउंड फॉर मी, क्योंकि मैं सब ऑल द बॉयज हुआ प्लेइंग मैं उनको सालों से जानती हूँ, यू नो मेरे हस्बैंड इंक्लूडेड, ये सालों से ये सब यू नो बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, सो मेरे लिए यहाँ पर आना इट्स लाइक यू नो मीटिंग फैमिली, बिकॉज मैं सबको इतने अच्छे से जानती हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली टाइटंस डेफिनेटली मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा, बिकॉज यू नो मेरे हस्बैंड उस टीम में है, एंड आई थिंक द अदर टीम आई वुड सपोर्ट इज चेन्नई, क्योंकि उनके जो कैप्टन है वरुण बडोला वो मेरे बहुत खास हैं, सो ये दो टीम्स को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। प्रिविलेज तो मैं क्या ही बोलूं, इट वाज मतलब आई थिंक ये एक ऐसा मोमेंट है जो यू नो लोग सालों साल याद रखेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे कि यू नो 2021 में जो मैच हुआ था उसमें ऐसा हुआ था, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट, जबकि इंडिया डिड नॉट प्ले इट्स फुल टीम, फिर भी आई थिंक जो परफॉर्मेंस दी है बॉयज ने इट वॉज इनक्रेडिबल, सो वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम। I would just, I mean, wish of course, yes, all the very best to the Indian cricket team, and I think just performance se unhone previous match jeeta hai, usse behtar performance karke, I'm sure we'll win the match again. Thank you.
Today is the deciding game for whether your team is going to make it to the semi-finals or not. How does it feel? इस टीम का पहला चौका अजय के बल्ले से लगा 91 रन बढ़िया सफल करते हैं की और रकीब बात हाथों में गेंद और इसी के साथ ओवर समाप्त हुए 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ 10 ओवरों के बाद 91 रन हम स्कोर बोर्ड पर देख रहे हैं शानदार बल्लेबाजी बिना कोई विकेट खोए कितने हॉट शॉट और क्या बढ़िया शॉट यहां पर लगाते हुए और राजा जिन्होंने आपको 3 ओवर के स्पेल में 25 रन खर्च किए आने बाकी है और दोनों बल्लेबाजों का माइंडसेट है बिल्कुल भी सेट हो चुके हैं अब कितनी हॉट शॉट के खिलाड़ियों की ओर से लंबे लंबे शॉट आने बाकी है जो थोड़ा सा Season 2, Actor Cricket Bash 2021. और धीरज विकलानी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत तौर पर अपना दूसरा ओवर और 3 का 11वां ओवर लेकर
गुड बॉलिंग बाय राजा. धीरज टू अभिषेक, दिस इज ओवर नंबर 11. फुल टॉस में भी प्लेड अक्रॉस, फुल टॉस को बेहतरीन अंदाज से खेल दिया है. बढ़िया एफर्ट वहां फील्ड पर सावन द्वारा, लेकिन गेंद को रोकने पर दिस इज बिग अंका से फोर फॉर अभिषेक. ट्राई टू लूज डिलीवरी टू बिगिन एंड ही हैज डन वेरी राइट थिंग, कनेक्टेड फुल टॉस. Well, that's indeed a pleasure to watch both these players, Abhishek and Ajay. And again, very good ball, very good ball. First coming in towards him. Good comeback by Dheeraj Miglani. Oh, what a ball, but couldn't connect it well. One run for a ball. The machine is four now moves on to 96. The projected score with this current run rate of 9.31 is looking at 139. And Chennai Hotshots will definitely want to score more than 145 plus. The way these two openers are batting, especially Ajay Mehra. Wow! And that's very well taken by Lalit Bish, and this first wicket for Delhi Titans and Ajay Mehra is out on 48. A good inning for his team and contributed 48 from the 35 balls. First wicket for Delhi Titans here and Dheeraj Miglani. A good catch taken under pressure by Lalit Bish. Dheeraj charging in, and this time it was more quicker in the air. Was committed for the shot, Ajay Mehra. He couldn't work, connect this ball well. And then it was the goal as well. So good break here for Team Delhi Titans. एक बात यहाँ धनंजय बिल्कुल सही सोच से अगर अभिषेक ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे, क्योंकि एक इन्फॉर्म बल्लेबाज पैवेलियन में दाखिल हो चुका है. ये डेथ ओवर्स है, आखिरी के कुछ ओवर शेष है, तो एक सेटल बल्लेबाज को आखिरी गेंद तक खेलना ये इम्पोर्टेंट होगा. पहले 10 ओवर का खेल अगर हम देखें तो बल्लेबाजी बहुत ही निखर कर आई, और इस ओवर में खासा परेशान किया है धीरज मिगलानी ने. पहले अभिषेक को, इसके बाद अजय मेहरा. उनका विकेट लेकर हौसले बुलंद किए इस ओवर में. 96 पर है चिन्ना हॉटशॉट. Lovely, lovely, that's amazing hit. That sings auto. Super six by super player Abhishek Kapoor. Lovely to watch, and that's nicely put it away. That's the 102 for Chinna Hatsa. Jane jate. Agli gain, full length delivery. दिशा दी वर्ड ऑफ साइड पर, और करण आते ही अपनी जो तेजी है, चतुराई है, उसको सही दर्शाते हुए एक रन के साथ स्कोर बढ़ा है 103 रन एक विकेट के नुकसान पर. ये ओवर महंगी जरूर रही, लेकिन एक सफलता मिली है धीरज मिगलानी इनको.
तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से उनकी गेंदबाजी रही है। बेहतरीन गेंदबाजी की यहाँ समाप्ति की है धीरज मिगलानी, इन्होंने दमदार भी रही, असरदार भी रही और टीम के लिए सही सफलता उन्होंने दिलाई है। 103 एक विकेट के नुकसान पर चिन्मय हॉटशॉट। इस तरफ से अब जो बल्लेबाजी अजय बहरा ने की 35 गेंदों का सामना किया और 48 रन लगाए और विगाट कैप पे सात चौकी के सहायता से शानदार बल्लेबाजी उसकी देखने मिली। और एक तरफ से जो बैटिंग यहाँ पर अभिषेक कपूर की हो रही है बिल्कुल भी सख्त बल्लेबाज है, इसके पहले क्या लाजवाब पिच लगा और 43 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। तो हर बार अपने टीम के लिए जो योगदान उनका होता है अमूल्य होता है। सही राय है यहाँ पर अपील करते हुए कबीर की पहली गेंद अंदर आई और सीधे पैर को लगी। कभी कबीर ने ट्रिक किया बल्लेबाज को अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए। बहुत बढ़िया और तगड़ा शॉट यहाँ पर डिप लॉन्ग ऑन डिजन पर जस्ट खेल दिया था सीधे। बढ़िया पंच यहाँ पर टाइमिंग स्ट्रोक उसको कहते हैं। एक हाथ से कैच हो सकता है लेकिन बाल बाल बच्चे यहाँ पर देखिए ये गेंद कैसी रही और इस बार हाथों को चुनते हुए गेंद डीप लॉन्ग ऑन डिजन पर गई। खिलाड़ी आया गेंद को फील्ड किया करण बल्लेबाजी के लिए। वक्त फिर एक बार रिजर्व पर गेंद लॉन्ग ऑफ डिजन पर गई। व्यक्तिगत तौर पर करण ने पहले दूसरे रन का खाता खोला।